साउथ, फेसिंग वेस्ट, फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देगा। अब देखो मेरे को पता है जब हम सर्कल बनाते हैं तो मैंने आपको बोला ये दो बंदे जरूर बनाने हैं, है ना, ये होता है फेसिंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ फेसिंग बोलेगा तो हम उसको इस तरफ बनाएंगे, नॉर्थ की तरफ। अगर साउथ फेसिंग बोलेगा तो इस तरफ, राइट लेफ्ट, साउथ फेसिंग नीचे राइट लेफ्ट, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग इस तरह, नॉर्थ फेसिंग इस तरह, साउथ फेसिंग इस तरह, ये हो जाएगा वेस्ट फेसिंग, ये हो जाएगा ईस्ट फेसिंग, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो वेस्ट फेसिंग राइट लेफ्ट, ईस्ट फेसिंग लेफ्ट राइट, ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ क्या हो जाएगा राइट लेफ्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट, क्लियर। चलिए अब अगर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब मेरे पास क्वेश्चन है एक दो तीन चार पांच छह, छह बंदे हैं ये रो में बैठे हैं, ठीक है, छह बंदे हैं रो में बैठे हैं, अब कुछ भी नहीं बोला कैसे बैठे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, फेसिंग नॉर्थ। एक दो तीन चार पांच छह, एंड एस एंड जेड आर इन द मिडल, एस और जेड कहां पर है, मिडल में, अब ये आ जाएगा मिडल, एस जेड या जेड एस, एस जेड या जेड एस मिडल में आ गए। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी कहां पर है, एंड्स पे, ए एंड पी आर एट द एंड्स, तो ए पी या पी ए, हमें नहीं पता ए पी है या पी ए। एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एक्स कहां बैठा है, आर के थर्ड राइट पे, एक्स कहां बैठा है, आर के थर्ड राइट पे, अब आर का थर्ड राइट, आर को अगर मैं यहां लिखूंगी तो आर के थर्ड राइट पे है एक्स, वन टू थ्री एक्स, ये आ गया, तो ये बन गया मेरे पास डायग्राम। अब अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ए पी आर एस जेड जेड एस एक्स पी ए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, पी के फोर्थ राइट पे कौन है, अब पी ये वाला है, पी ये वाला है या पी ये वाला है, ठीक है, पी ये भी हो सकता है, पी ये भी हो सकता है, अगर तो है ये वाला पी तो इसका फोर्थ राइट, वन टू थ्री फोर, तो इसके फोर्थ राइट पे कौन आ गया, एक्स आ गया। अगर P ये वाला है तो इसके फोर्थ राइट पे कौन आ रहा है, इसके फोर्थ राइट पे कौन आ रहा है, हाँ जी, इसके फोर्थ राइट पे कोई आ ही नहीं रहा, तो इसमें आंसर कांट से आ जाएगा, हमें पक्का नहीं पता, X भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या मार्क करेंगे, कांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, Who is sitting between Z and X? Z और X के बीच में कौन है? Z और X के बीच में कौन है? अब Z और X, अगर तो Z ये वाला है, तो Z और X के बीच में कौन आ रहा है? S आ रहा है, क्योंकि Z तो ये आ गया, तो ये S हो जाएगा। अगर Z ये ले, तो Z और X के बीच में कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा? Can't say. Next पे गए। Who is sitting at the corners? Corners पे कौन आ रहा है? तो corners पे कौन आ रहा है? Either A और P, ठीक है, corners पे confirm है, A और P ही आ रहे हैं, corners पे कौन आ रहे हैं? A and P. चलिए next question पे बढ़ते हैं, next question क्या कह रहा है? Who is sitting third to the left of X? X के third left पे कौन है? X का third left, अगर X ये है तो इसका third left, वन टू थ्री, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है? आर आ रहा है, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है? आर। हाँ जी, पांच बंदे बेंच पे बैठे हैं, कुछ नहीं बताया, तो कैसे लेंगे? बाय डिफॉल्ट फेसिंग नॉर्थ, नेक्स्ट टू बी, ए कहां बैठा है? बी के नेक्स्ट में,
अब नेक्स्ट क्या होता है साथ में, तो ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, ए बी बी या बी ए बी। सी इज सिटेड नेक्स्ट टू डी, सी डी के नेक्स्ट में है, तो सी डी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, और जो ई है वो लेफ्ट एंड पे है बेंच पे, तो ई इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच, ई कहां पे है लेफ्ट एंड ऑफ बेंच। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, यहाँ पे डी ने नहीं आना। सी इज ऑन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, सी राइट से सेकेंड पोजिशन पे है, तो राइट से सेकेंड पोजिशन। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए कहां पर है बी और ई के राइट पे, तो ए कहां पर है बी और ई के राइट पे, तो ए बी और ई के राइट पे होगा, यानी कि यहां पर होगा कहीं बी और ई के राइट पे। ए एंड सी आर सिटिंग टूगेदर, ए और सी इकट्ठे बैठे हैं, तो ये सी है तो ए को यहां नहीं लेंगे, ए को यहां लेंगे, क्यों यहां लेंगे क्योंकि ए और सी इकट्ठे बैठे हैं। ए को अगर मैं यहां ले लूं तो मेरे पास ए के साथ बी ने आना है, तो ये आ गया बी और ये आ गया डी। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, इन विच पोजिशन इज ए सिटिंग, ए कौन सी सीट पे बैठा है, तो ए कौन सी सीट पे बैठा है चेक करो, इन द मिडल। अब मेरे पास ये तो ऑप्शन है नहीं, बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में है, गर्ल्स बेंच पे बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा कहां पर है रानी के लेफ्ट पे, तो रानी के लेफ्ट पे बनाई सीमा। एंड सीमा इज टू द राइट ऑफ बिंदु, सीमा कहां पे है बिंदु के राइट पे, तो बिंदु के राइट पे ये आ गई बिंदु, बिंदु के राइट पे। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी कहां पे है रानी के राइट पे, तो रानी के राइट पे आ गई मैरी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मीरा, रीटा किसके बीच में है, रानी और मीरा के बीच में, सॉरी रानी और मैरी के बीच में। अब ये रानी और मैरी है तो रीटा इनके बीच में आ गई, ये बन गया पांच गर्ल्स। हु इज सिटिंग इमीजिएट राइट ऑफ रीटा, रीटा के इमीजिएट राइट पे कौन है, तो रीटा के इमीजिएट राइट पे कौन है मैरी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा मैरी। जी बिल्कुल सही रानी। नेक्स्ट देखिए, हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड कौन सा है, तो राइट इधर से है, तो राइट से सेकंड कौन है रीटा सी। हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड कौन है, तो लेफ्ट से सेकंड ये पहला ये दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्लोर मैनेजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें मेरे पास रैंकिंग भी इंक्लूड हो जाता है, आपको बोला जाएगा वो उससे लंबा है वो उससे छोटा है, बताइए सबसे लंबा कौन है। अब इसमें मेरे पास ओनली वर्ड भी होगा, तो जब मेरे पास ओनली वर्ड आ गया तो हमने इसको कैसे बनाना है, बड़े से छोटा, ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे बड़े से छोटा। अब इसको हमने बड़े से छोटा बनाना है, पांच बंदे हैं इन। P is shorter than only T. P छोटा है सिर्फ T से, 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 बाकियों से P क्या है बड़ा। Only का मतलब क्या है सिर्फ, P छोटा है सिर्फ T से, बाकियों से P क्या है बड़ा। Q is taller than only S. Q लंबा है सिर्फ और सिर्फ S से, Q टॉलर है सिर्फ और सिर्फ किससे S से। अब ये लाइन आ गई, Q टॉलर है सिर्फ और सिर्फ किससे S से, बाकियों से क्या है छोटा। T is taller than P and R, T टॉलर है P और R से, तो ये बन गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, डायग्राम देखो सेम है सेम। Who is taller among all, सबसे टॉलर कौन है, तो सबसे टॉलर कौन है मेरे पास, सबसे टॉलर कौन है टी। हु इज शॉर्टर अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है एस।
हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में कौन बैठा है? तो आर और एस के बीच में कौन है? क्यू. हु इज टॉलर देन आर, आर से टॉलर कौन है? तो आर से टॉलर कौन है? टी एंड. हां जी, किरण इज टॉलर देन समीर बट शॉर्टर देन प्रमोद. किरण टॉलर है समीर से बट किरण इज शॉर्टर देन प्रमोद, प्रमोद से छोटी है. जॉन इज टॉलर देन उर्मिला, अलग लिखा, जॉन टॉलर है उर्मिला से. समीर इज टॉलर देन जॉन, समीर टॉलर है जॉन से. तो ये रहा समीर, तो ये आ गया जॉन, ये आ गई उर्मिला. तो ये अरेंज हो गए. सबसे टॉलेस्ट कौन आया? प्रमोद. नेक्स्ट करिए, हु इज शॉर्टर देन उर्मिला. हां जी, उर्मिला से छोटा कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. हु इज बिटवीन किरण एंड जॉन, किरण और जॉन के बीच में कौन है? समीर. सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? प्रमोद. हु इज शॉर्टर देन किरण, किरण से छोटा कौन है? किरण से छोटा कौन है? समीर भी है, जॉन भी और उर्मिला भी है, तो तीनों आ जाएंगे. उनसे लंबा कौन है? हां जी, जॉन से लंबा कौन है? देखो, समीर, किरण, प्रमोद, तीनों लंबे हैं. समीर, किरण एंड प्रमोद. जॉन से लंबा, तो तीनों आ गए. चलिए फटाफट इसको बनाए. ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो ये रफ में बनाया. ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज टॉलर देन ई, ए ई से टॉलर है. सी इज टॉलेस्ट पर्सन अमंग ऑल, सी सबसे टॉलेस्ट है. ए एंड डी इज शॉर्टर देन ई अमंग ऑल. अच्छा, एंड है ये वाला. डी इज शॉर्टर देन ई, डी छोटा ई से, तो ये बन गया. गुड रिक्षित, वेरी गुड. हु इज टॉलर देन ए, ए से टॉलर कौन है? हां जी, ए से टॉलर बी एंड सी. हु इज शॉर्टर देन ई, ई से छोटा कौन है? ई से छोटा है डी. हु इज टॉलेस्ट अमंग ऑल, सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? बी एंड, सॉरी, सबसे टॉलेस्ट कौन है? सी. हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन है? डी. हु इज बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में कौन है? हां जी, बी और ई के बीच में कौन है? ए. चलिए लास्ट क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए. हां जी, डी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन जी. करवा दूं कि अभी ट्राई कर रहे हो? है ए से बट टॉलर है जी से. डी शॉर्टर है ए से, डी छोटा है ए से बट टॉलर देन जी, बट जी से टॉलर है. ई इज टॉलर देन एच, ई इज टॉलर देन एच बट शॉर्टर देन ई, टॉलर है एच से बट ई शॉर्टर है सी से, ई शॉर्टर है सी. बी इज शॉर्टर देन डी, बी शॉर्टर है डी से, बी छोटा है डी से, तो बी छोटा है डी से, तो बी छोटा हो गया डी. बट टॉलर देन एफ, बी छोटा है डी से बट बी टॉलर है एफ से, बी टॉलर है. ई इज शॉर्टर देन जी, सी छोटा है जी से, सी छोटा है जी से, तो सी छोटा है तो बड़ा कौन हो? जी इज नॉट एज टॉल एज एफ, जी उतना टॉल नहीं है जितना एफ टॉल है, जी उतना टॉल नहीं है जितना एफ. अब मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब इसको पहले एक बना, एक बनाने के लिए ये जी है और जी के पीछे क्या आना है? सी. तो ये सी लगा दिया और सी के पीछे क्या आना है? ये बन गया. अब मुझे पता है डी के बाद बी और एफ ने भी आना, डी के बाद बी और एफ ने, और F जो है वो G से पहले आएगा क्योंकि F इज ग्रेटर देन G. तो इधर आ जाएंगे B. तो ये देखो A D फिर B F फिर G फिर C फिर E H, ये बन, ठीक है, ये बन गए सब. अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स. कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है वो बता. G इज शॉर्टर देन F,
अब चेक करो क्या जी छोटा है जी, क्या जी छोटा है एफ से, यहाँ देखा जी छोटा एफ से, बिल्कुल सही है ये तो। सी इज शॉर्टर देन एफ, सी छोटा एफ से, क्या सी छोटा एफ से, बिल्कुल सही कह रहा है एफ बड़ा है। एफ इज टॉलर देन सी, एफ टॉलर है सी से, बिल्कुल सही। बी इज टॉलर देन ई, बी इज टॉलर देन ई, ये भी सही कह रहा है। ऑल आर ट्रू, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑल आर। चलिए अगला देखो, अगले भी इसी पे बेस्ड है क्वेश्चंस। अगर मैं इनको स्टार्टिंग से देखूं तो थर्ड फ्रॉम टॉप कौन आएगा, थर्ड फ्रॉम टॉप, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो ए